हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से इमोजीज को अपने नेल आर्ट के ऊपर, अपने नेल्स के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जो कलर यूज़ करेंगे, बहुत कलरफुल होने वाला है आज का नेल आर्ट। तो इसके लिए आपको 5 to 6 नेल कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला, मुझे जो मेरे नेल्स है उसको मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँगी, और बैकग्राउंड कलर्स के लिए जो मैंने कलर लिए हैं वो है दिस पिंक कलर, दिस आई थिंक ये ब्राउन का शेड है जो ब्लू हेवन कंपनी का है, बाकी ये स्काई ब्लू है, आप देख सकते हैं ये स्काई ब्लू है, दिस स्काई ब्लू कलर 063 इसका शेड का नंबर है, और ये ग्रीन का शेड है, और ये कुछ ऑरेंज, एकदम लाइट ऑरेंज शेड है ये। तो सबसे पहले हम अपने नेल्स को बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग इमोजीज़ के लिए जो कलर लेने वाले हैं वो है येलो। येलो आई थिंक इमोजीज़ के लिए सबसे बेस्ट कलर है। अपने व्हाट्सएप पे भी देखे होंगे जो इमोजीज़ आते हैं उसके कलर येलो ही रहते हैं, तो इमोजीज़ के लिए मैं येलो कलर ही आपको सजेस्ट करूँगी। और इसके ऊपर जो मुझे ड्राॅइंग्स करनी है उसके लिए मैं ब्लैक कलर करूँगी, क्योंकि ब्लैक कलर आई थिंक येलो के साथ एकदम बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इस पिंक कलर को। सो पहले, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया कि कभी भी आप नेल कलर अप्लाई करते हो तो बॉटल को एकदम अच्छे तरीके से शेक करिए, बिकॉज जो ये ऊपर रहता है ना, वो ऊपर उनका पानी रह जाता है, तो आप अगर उसको अच्छे से शेक नहीं करोगे ना तो आपका नेल कलर का जो टेक्स्चर है वो बराबर नहीं आएगा। सो आप सबसे पहले इसको शेक कर लीजिए एकदम बेटर से, फिर उसको अपने नेल्स पर अप्लाई करिए। सबसे पहले मैं इसको अपने थंब पे अप्लाई करूँ, नाउ यू कैन सी मैंने कैसे इसको अप्लाई किया। मैं कुछ सजेशन देना चाहती हूँ कि कभी भी आप नेल कलर अप्लाई करते हैं ना, तो सिर्फ एक लेयर के ऊपर आप मत जाइए, बिकॉज जो लेयर होते हैं, हम लोग फर्स्ट लेयर अप्लाई करते हैं ना, वो उसका बेसिक लेयर होता है, तो उसके अंदर जो उसका रियल कलर होता है ना वो खिलके नहीं आता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम जब भी नेल पेंट अप्लाई करें तो हमेशा 2 लेयर्स अप्लाई करें। और एक और बात ध्यान में, आप जब भी एक लेयर अप्लाई कर देते हो ना तो उसको ड्राई करने के लिए थोड़ा टाइम रहने दो, बिकॉज अब फर्स्ट लेयर भी गीला है और उसके ऊपर भी आप सेकेंड लेयर अप्लाई करते हैं ना, तो अंदर का लेयर अच्छे से ड्राई नहीं होता, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है नेल पेंट को ड्राई होने के लिए। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स आप डेफिनेटली अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए बाकी ये कलर्स भी अपने नेल पेंट पे, मैं अपने नेल्स पे फटाफट अप्लाई कर लेती हूँ। ओके, ये ड्राई होने के बाद हम सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे, तब तक हमें इमोजीज बनाना है। सो आज जो मैं इमोजीज बनाऊंगी ना, वो मैं सीधा डायरेक्टली नेल्स पे नहीं बनाऊंगी, बिकॉज अगर वो ख़राब हो गया तो मीन्स आपका पूरा बेस कलर भी चला जाएगा, मतलब बेस कलर निकालना पड़ेगा, फिर वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। सो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप किस तरीके से कैसे आप इमोजीज दूसरे जगह पर डाल के आप उसके ऊपर स्टिक कर सकते हो। सो मैंने एक प्लेट ले लिया है, एक कंटेनर है, ठीक है, एक प्लेट है, ये प्लास्टिक का है, आपको प्लास्टिक का अगर यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके ऊपर मैं ये देख, आप देख सकते हैं ये येलो कलर है, ये येलो कलर से मैं इमोजीज बनाने वाली हूँ। सो ये येलो कलर को मैं शेक कर लेती हूँ, और इसमें से आपको ब्रश की मदद से, देख रहे हैं आप, ब्रश की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर, बहुत स्मूथली एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। आप चाहिए तो ज़्यादा छोटा भी रख सकते हैं, और चाहिए तो बहुत बड़ा भी रख सकते हैं, मतलब बड़ा मतलब आपके नेल्स के ऊपर आ जाना चाहिए, तो नहीं आप रखिए। सो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अभी बेसिकली ये सर्कल को हमें ड्राई होने देना, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता कम्प्लीटली तब तक आप इसके साथ कुछ मत करिएगा, ठीक है। जैसे ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। हमें इसी के ऊपर इमोजी ड्रॉ करना है, और इमोजी ड्रॉ करने के लिए हम ये ब्लैक कलर इस्तेमाल करेंगे। सो पहले इसे ड्राई होने देते हैं, इसको एकदम अच्छे से ड्राई होने देते हैं, एंड देन उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस के लिए जाते हैं। सो तब तक आई थिंक ये भी ड्राई हो जाएगा बहुत अच्छे से, और हमारा बेस कलर एकदम से रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये गाइस, तो जैसे कि मैंने बोला था ये ड्राई हो जाएगा,
तो उसके बाद हमें उसका आउटलाइन बनाना पड़ेगा, मीन्स उसके ऊपर ड्राइंग करना पड़ेगा। सो ड्राइंग करने के लिए मैंने आपको बोला था मैं ब्लैक कलर यूज़ करने वाली हूँ, रहा वो ब्लैक कलर, और ये जो आईलाइनर ब्रश है जो मैं हमेशा आपको यूट्यूब मेरे चैनल में बताती हूँ कि मैं आईलाइनर ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ कुछ भी ड्रॉ करने के लिए या फिर आर्ट करने के लिए, तो मैं आज भी इस आईलाइनर ब्रश को यूज़ करके वो इमेजी क्रिएट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको जो ये ब्लैक कलर है ये थोड़ा सा निकाल लेती हूँ कंटेनर में, एंड देन आफ्टर इसके ऊपर मैं ड्राॅइंग करती हूँ। ओके, एक क्यूट सा स्माइल क्रिएट करने वाली हूँ मैं, और ऐसे बहुत सारे इमोजीज मैं क्रिएट करूँगी। सो आप ध्यान से देखें, एंड आप देख सकते हैं इसका इस बन चुका है। अब मैं एक स्माइल बनाऊंगी, एक स्माइली फेस। सकते मैंने इसका स्माइली फेस भी बना दिया। अब इसी तरीके से हमें और भी बहुत सारी इमोजीज क्रिएट करनी है। मैंने पहले से ही बहुत सारी इमोजीज क्रिएट करके रखी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहे वो कुछ इमोजीज, ये मैंने एक प्लेट के ऊपर, एक प्लास्टिक प्लेट है उसके ऊपर मैंने ये ड्रॉ किया है, बहुत सारा इमोजीज ऐसे मैंने बना के रखा है, और ऐसे मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। सो जैसे ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमें निकालना है। अभी जो मेरे नेल्स थे मैंने नेल्स के ऊपर भी सेकेंड लेयर अप्लाई कर लिया था। ओके, सो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खिल के आ रहा है। सो ऐसे ही कलर आपको मीन्स चाहिए। मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आप सेकेंड लेयर अप्लाई नहीं करना चाहते, जैसे आपको नहीं करना, तो आप वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में वाइट कलर नहीं यूज़ किया है, बट मुझे सडनली आइडिया आया कि हम वाइट कलर भी पहले एक बेस कलर अप्लाई कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम ये कोई भी लाइट शेड मीन्स अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो वाइट जो मेरा लाइट शेड है वो और निखर के आएगा। सो अभी तो मैंने ऐसा अप्लाई किया, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम वो जो इमोजीज हमने जो बना के रखी है उसको मैं अप्लाई करूँगी। ओके, सो गाइज अभी मेरे को लगता है मैंने नेल पेंट सूख गया। आपको इसको 90% ही सुखाना है, 100% नहीं सुखाना है, अदरवाइज ये जो इमोजीज है हम इसको निकालेंगे उसके ऊपर जब हम लगाएंगे ना तो वो स्टिक नहीं होगा। तो अगर नेल पेंट थोड़ा गीला रहेगा तो वो जल्दी से स्टिक हो जाएगा। ओके, सो अभी आप सोचेंगे इसको निकाला कैसे जाए, तो निकालने के लिए मेरे पास ब्लेड है, अभी मेरे पास कोई और यूटेंसिल नहीं या फिर टूल नहीं है कि जिसके मदद से मैं निकालूँ। तो मेरे पास ये अपना ब्लेड है, तो प्लीज़ संभाल के थोड़ा काम करिएगा अगर आप ब्लेड की मदद से कर रहे हैं। तो सो मैं इसको ब्लेड से निकालती हूँ। देखा मुझे लग चुका, कितना क्यूट लग रहा है। ओके, सो ऐसे ही आपको 90% में सूखने दीजिएगा प्लीज़, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, 100% में सूखने दीजिएगा सॉरी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी इमोजीज मैं निकाल के फटाफट स्टिक कर लेती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने वो सारे इमोजीज को अपने फिंगर्स पे स्टिक कर लिया, आई मीन मेरे नेल्स पे स्टिक कर लिया, एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल और कितना क्यूट लग रहा है। मेरे को सच्ची नहीं पता था कि इसका रिजल्ट इतना ऑसम होगा,
ये देखो ये प्लेट्स के ऊपर मैंने सारी इमोजीज निकाल लिए और अपने फिंगर्स पे स्टिक कर लिया। और ट्रस्ट में इतना टफ भी नहीं आपको लगेगा कितना हार्ड है यार ऐसा करना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं और बिना किसी मीन्स कहते हैं ना महंगे टूल्स पे जो भी सामान पड़े ना, मैंने कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं की जिसकी वजह से मैं आपको